हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। आज का टॉपिक है भाषा और भाषा के कार्य। कोई भी भाषा कितनी ज़रूरी होती है हमारे जीवन में, उसके विषय में हम जानेंगे। तो बच्चों, इस चित्र को देखो और इसमें एक कहानी दी हुई है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो, ये एक नल का चित्र है और ये लड़का जिसका नाम है गगन। पहले दृश्य में दिखाया गया है कि गगन ने पापा से पूछा, क्या पूछा? पापा, नल में पानी कहाँ से आता है? पापा ने कहा, नदी से। जो दूसरा दृश्य है उसमें एक दिन गगन का जो कुत्ता था टॉमी, वो नदी में गिर गया, वह उदास हो गया। तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि गगन घर पर आकर नल के पास बैठ गया। फिर पापा ने गगन को नल के पास देखा और पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? अपना कुत्ता टॉमी कहाँ है? तो गगन ने बोला, टॉमी नदी में गिर गया है, लेकिन आप घबराना मत, अभी वह नल से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों, आपने इस चित्र के द्वारा कुछ समझा? तुमने इस कहानी में गगन और उसके पापा की बातचीत को सुना। यही भाषा है, इसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम भाषा में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं, और हम भाषा के माध्यम से अपने मन की बात दूसरों को बताते भी हैं। चलो मैं आपको कुछ और भी चित्र दिखाती हूँ और भाषा के कार्य के विषय में और जानते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, इसमें एक लड़का और एक लड़की है और इन दोनों के बीच जो भी संवाद हो रहे हैं, यानी कि आपस में जो बातचीत हो रही है, उसको हम देखते हैं। तो जो लड़का है वो कहता है, पायल तुम क्या कर रही हो? पायल जवाब देती है, मैं चित्र बना रही हूँ। फिर लड़का क्या बताता है पायल को? पायल, आज मैंने सपने में पंखों वाली हाथी देखा। तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी बात उसे बता रहा है। अब इस चित्र में आप देखो, एक पिता और उसके बेटे की बातचीत है, जिसमें कि क्या बात हो रही है? बेटा सोचता है, वाह लगता है आज पापा मुझे चिड़ियाघर की सैर कराएंगे। और इस चित्र में आप देख सकते हो, एक अध्यापिका है, वो क्या कर रही है? अध्यापिका ने बोर्ड पर कविता लिखी है और हमने कविता पढ़ी। अब इस चित्र में देखो, अंशु गीत गा रही है और यहाँ पर अन्य बच्चे गीत सुन रहे हैं। तो हमने क्या जाना बच्चों इस चित्र से? हमने ये जाना कि हम भाषा में सोचते हैं, हम भाषा में लिखते और पढ़ते भी हैं, और हम भाषा में सुनते भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाषा वह साधन है जिससे हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, तथा दूसरों के विचार पढ़कर या सुनकर समझते भी हैं, जैसा कि इन चित्रों में किया गया है। तो बच्चों, तुमने इस वीडियो में क्या जाना? तुमने जाना कि भाषा द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पूछना, बताना, सोचना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, सुनना तथा वर्णन करना, ये भाषा के कार्य हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा भाषा और भाषा के कार्य। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।